तो वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी हिमाचल के दौरे पर रही और उन्होंने हमीरपुर के कुटलेहड़ में सतपाल रायजादा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। अपने बयान में उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा, बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। चुनाव है, दो चुनाव निकल गए, दोनों चुनाव में, मैं केंद्र के चुनाव, लोकसभा के चुनाव की बात कर रही हूं जिसमें आप प्रधानमंत्री को चुनते हैं और अपने लोकसभा के सांसद को चुनते हैं, आप देखें तो तीनों चुनाव में जो भी भाजपा का प्रचार रहा है, मोदी जी का प्रचार रहा है, वो सब धर्म के नाम पर ही रहा है। पहले चुनाव में भी यही रहा, जनता ने भरोसा दिया, आशाएं थी, उम्मीद थी जनता की कि एक अच्छी सरकार आएगी, मोदी जी में अपनी आस्था रखी और मोदी जी को जिताया। उस चुनाव को उन्होंने धर्म के आधार पर लड़ा था, वो जीते। चुनाव के प्रचार के समय कई वादे किए, कहा था कि किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, कि 2 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे, कि दुनिया में से सारा जो काला धन है वो वापस लाएंगे और आपके खातों में 15-15 लाख रुपए डालेंगे। खैर वो बातें हुई नहीं, 5 साल गुजर गए, आप आगे चलते रहे जिस तरह से आप कमा रहे थे, कमाते रहे, ज्यादा तरक्की नहीं हुई जीवन में। ये नहीं है कि किसी को ज्यादा रोजगार मिल गए या महंगाई कम हो गई या जीवन किसी तरह से और भी अच्छा हो गया, वैसा का वैसा चलता रहा। खास तौर से जो भाजपा के नेता हैं, जैसे यहां आपके सांसद हैं, आपको दिखते हैं तो बड़े बड़े क्रिकेट के मैचों में दिखते हैं या बड़े बड़े मंचों पर दिखते हैं या महलों में सेठों के साथ दिखते हैं, और मोदी जी की वही हालत है। मोदी जी को आप देखते हैं एक बाल इधर से उधर नहीं होता, साफ सुथरा कुर्ता, बड़े बड़े मंचों पे, प्रधानमंत्रियों के साथ, राष्ट्रपतियों के साथ, कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी जापान जा रहे हैं। आपके यहां नहीं आए जब आपदा हुई, इतनी बड़ी आपदा हुई, हमारी सरकार नई नई बनी थी मुझे याद है, और एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, हफ्तों के लिए चली। कहीं कोई पहाड़ गिर रहा है, कहीं नदी में सब कुछ बह रहा है, सड़कें टूट रही हैं, घर टूट रहे हैं, लोगों के परिवार बिछड़ गए, लोग गुजर गए उसी बह के पानी में बह के, या किसी के ऊपर पहाड़ गिर गया। मुझे याद है एक परिवार था शिमला में, पूरा परिवार मंदिर गया था उस दिन सुबह, बच्चे भी चले गए दादाजी दादी जी के साथ, कोई वापस ही नहीं आया, पूरा पहाड़ टूट के 2 सेकंड में मंदिर के ऊपर गिर गया। तो ये गहराई से समझने वाली बातें हैं कि ये सच और झूठ के बीच में अगर आप अपनी देखेंगे नहीं और आप पहचानेंगे नहीं कि कौन क्या है, तो देश की राजनीति भी खाई में चली जाएगी, देश का समाज भी खाई में चले जाएगा और देश का भविष्य भी खाई में चले जाएगा। आज जितनी बड़ी बड़ी समस्याओं से देशवासी जूझ रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हम यहां प्रदेश सरकार से कोशिश करते हैं कि किसी तरह से राहत मिले। ये जो 1500 रुपए महिलाओं के खाते में डालने की बात जो है, कर्नाटका में हमारी सरकार है, हमने वहां पे महिलाओं के लिए बस की यात्राएं फ्री कर दी। हम हर तरफ से, जैसे सुक्कू जी ने कहा, दूध के लिए MSP देते हैं, हर चीज हम कोशिश करते हैं कि हर तरह से आपको बचाएं जो देश में महंगाई है उससे, लेकिन फिर भी पूरी तरह से नहीं बचा सकते। आज अगर 1200 का सिलेंडर है तो हम बहुत कम कर सकते हैं इसको कम करने के लिए, क्योंकि कुछ चीजें केंद्र से तय होती हैं, इनकी नीतियों से तय होती हैं, और ज्यादातर जहां महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये केंद्र के मसले हैं।